दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पुलिस को देख डरे युवकों से मिला चिट्टा, चंबा के चुवाड़ी में अरेस्ट। दोस्त से बात करते करते जल गई कार, बिलासपुर में हड़कंप। सिरमौर के गिरिपार में माघी का आगाज, खरीदारों से बाजारों में बहार। शाहतलाई में चला शर्तों का दौर, भाजपा कांग्रेस ने जीत के लिए झोंकी ताकत। सुजानपुर में कोरोना वैक्सीन पर ट्रेन किए मुलाजिम। अनमोल के तबले की तान ने जीता सभी का दिल। अब समाचार विस्तार से। स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट कांगड़ा की टीम ने लाहड़ू चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान 5.5 ग्राम चिट्टे समेत 3 युवकों को दबोच लिया। टीम की अगुवाई स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट कांगड़ा के ASI करतार सिंह ने की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चुवाड़ी थाने में मादक द्रव्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया है। आरोपियों को पुलिस रिमांड के लिए अदालत में पेश करने की कागजी औपचारिकताएं निपटाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल रूम की टीम ने लाहड़ू चेक पोस्ट के समीप नाका लगा रखा था। इस दौरान वहां से गुजर रही कार को जब जांच के लिए रोका तो उसमें सवार युवक पुलिस को देखकर घबरा गए। पुलिस ने संदेह के आधार पर तलाशी के दौरान युवकों के कब्जे से 5.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। बिलासपुर जिला मुख्यालय स्थित रोडा सेक्टर में शनिवार को अचानक कार में आग लग गई। गनीमत रही कि इस अग्निकांड से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। समय रहते कार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। गाड़ी मालिक के मुताबिक कुछ देर पहले उन्होंने कार अपने घर के पास खड़ी की और वहां अपने एक मित्र से वह बात ही कर रहे थे कि अचानक लोगों ने बताया कि उनकी गाड़ी में आग लग गई है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना से कुछ देर के लिए क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिला सिरमौर के गिरिपार में मनाया जाने वाला माघी का त्यौहार शनिवार से शुरू हो गया। माघी में लोग बकरे काटते हैं और क्षेत्र की खुशहाली के लिए अरदास करते हैं। बता दें कि यह त्यौहार जनवरी के पूरे महीने और फरवरी का आधा महीना मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोगों की खूब मेहमानबाजी होती है। पहाड़ी भाषा में आज खुराइंटी, कल बशुतो व प्रंसो त्यौहार मनाया जाता है। कहीं कहीं यह त्यौहार गिरिपार के अधीन आज से 10 दिन पहले मनाया गया है। इस त्यौहार को लेकर पूरा इलाका राशन की खरीदारी में जुटा हुआ है। 10 दिन पहले से ही बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। रोनहाट बाजार की यदि बात की जाए तो यहां पर लोगों की खूब चहल पहल देखी जा रही है। रोनहाट बाजार के दुकानदारों का कहना है कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण लोगों का बाजार में कम आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी जरूरतमंद लोग राशन के लिए बाजार में दस्तक दे रहे हैं। नगर निकाय चुनावों से ठीक एक दिन पहले शनिवार को जीत के लिए उम्मीदवारों ने ईडी चोटी का जोर लगाकर डोर टू डोर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। 10 जनवरी को नगर पंचायत तलाई के चुनाव होंगे। नगर पंचायत तलाई के 7 वार्डों में से 6 वार्डों में भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि 1 वार्ड में भाजपा की ही विचारधारा वाले उम्मीदवार मैदान में है। वहीं चुनाव में हर उम्मीदवार जीत हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रचार थमते ही प्रत्याशी घर घर दस्तक देकर मतदान की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार के विजय होने को लेकर शर्तें भी लगा रहे हैं और बाढ़ में विकास करने का भी वादा कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगर पंचायत तलाई में कुल 1,757 वोटर हैं, जिनमें से 985 महिलाएं और 862 पुरुष हैं। 7 वार्डों से कांग्रेस बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पिछले चुनाव 2016 में हुए थे, जिसमें 2 कांग्रेस और भाजपा ने 5 पार्षद अपने नाम किए थे और बीजेपी का परचम लहराया था। अब यहां पर कांग्रेस पर लाज बचाने और भाजपा पर साख बचाने की चुनौती है और यही कारण है कि दोनों पार्टियों ने यहां पर जीत के लिए दिन रात एक कर दिया है। कोविड वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, इसका इस्तेमाल कैसे होगा और लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी, इन तमाम बातों को लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सभी हेल्थ वर्कर्स और स्टाफ को मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन में किसका क्या रोल होगा, किस तरह से हर स्टेप को ध्यान में रख के काम करना है। सुजानपुर हेल्थ सेंटर के प्रांगण में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस दौरान उन्होंने स्टाफ सदस्यों को उचित दिशा निर्देश जारी किए। बताते चले कि आने वाले दिनों में वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा, जिसके चलते ही ये कदम उठाया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरेखा, विद्या देवी, आशा वर्कर सुपरवाइजर जीवन लता सूद, सुनीता नीता और अन्य सभी ने कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान मास्क पहनना, हाथ धोना और 2 गज की दूरी के ऊपर विशेष तौर पर जागरूक करने को कहा गया। Thank you.
सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहो के साइंस स्ट्रीम के अनमोल ने स्कूल लेवल पर आयोजित तबला वादन प्रतियोगिता में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल कर चंबा जिला का नाम पूरे प्रदेश भर में रोशन किया है। अनमोल अब स्कूलों की नेशनल लेवल पर होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। अनमोल की इस उपलब्धि से स्कूल प्रबंधन और अभिभावक गदगद हैं। प्रिंसिपल उमाकांत आनंद और प्रतियोगिता की समन्वयक राशि जंद्रोटिया ने बताया कि अनमोल ने तबला वादन में पहले ब्लॉक, उसके बाद जिला और अब प्रदेश भर के स्कूलों की आयोजित वर्चुअल आधारित कला उत्सव की प्रतियोगिता में टॉप करके अपने हुनर का लोहा मनवाया है। उन्होंने बताया कि अब अनमोल तबला वादन में नेशनल लेवल पर स्कूलों के होने वाले वर्चुअल आधारित कला उत्सव में अपने सहयोगी अभिषेक के साथ प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय साहो जिला चंबा हिमाचल प्रदेश के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है कि हमारे विद्यालय के एक छात्र अनमोल जो कि प्लस वन कक्षा में पढ़ता है का चयन राष्ट्र स्तर पर होने वाले कला उत्सव के अंतर्गत तबला वादन प्रतियोगिता में हुआ है। ये बच्चा होनहार होने के साथ साथ म्यूजिक की भी अच्छी समझ रखता है और हमारी शुभकामनाएं इसके साथ हैं कि जिस तरह से इसने जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रदर्शन किया है उसी प्रकार राष्ट्र स्तर पर भी ये हमारे चंबा जिला का नाम रोशन करे। हमारी शुभकामनाएं इसके साथ हैं।